बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ अरबी, अरबी का सालन बना रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम जब अरबी छीलते हैं ना, तुम्हारे हाथों में ख़ारिश होने लग जाती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग क्या किया करें। आप लोग ना जब अरबी छीलनी हो ना, उनसे पहले ना आप हाथों पर ना सरसों का तेल ले के तो थोड़ा थोड़ा हाथों के ऊपर सारे सीधे और उल्टे हाथ पर ना लगा लिया करें। तो ना इस तरह लगाने से ना, तो जब आप छीलेंगी ना तो आपके हाथ में ख़ारिश नहीं होगी। तो बाद में आप साबुन से अच्छी तरह हैंड वॉश कर लिया करें, तो इस तरह ना फिर हाथों में ख़ारिश नहीं होती। ये मैंने अरबी डाल दी है इसमें। अब मैं इसको फ्राई करूँगी 5 से 7 मिनट तक ना, यानी कि जब ये अच्छी से फ्राई हो जाएगी ना, फिर इसको हम निकाल लेंगे। अब इसको अच्छी तरह फ्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये फ्राई हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ ना। ये आज मेरी घर का सालन, आज की रोटी में मेरी है, जब मैं घर में तैयार बना रही हूँ। मेरा मकसद बहनों ये नहीं होता कि मैं आप लोगों को रेसिपी सिखाऊँ, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मेरे घर की रोटीन क्या है। आज की रोटीन में ये मेरा सालन बन रहा है, ये मैं बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी बहनों को तो खुद इतना अच्छा आता है ना। ये देखते ना, अरबी बिल्कुल अच्छी तरह फ्राई हो रही है। ये देखते, मैंने इसके अंदर करेले भी डाल दिए थे। मैंने शायद आप लोगों को पहले भी बताया है कि करेला एक पड़ा था, जब मैं सब्जी निकाल लेती तो फ्रिज में पड़ा था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक करेला है ये ज़ाया नहीं करते, ये भी इसमें फ्राई कर लेते हैं। ये देखें कितनी अच्छी फ्राई हो गई है ना। तो अब मैं इसको डिश में निकालूँगी। मैं डिश में निकाल रही हूँ। अक्सर कहते हैं कि हमारी अरबी कच्ची है, गल नहीं रही, तो ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगी कितनी अच्छी तरह ये मलाई की तरह बिल्कुल नरम और सॉफ्ट सी ना बनेगी हमारी अरबी। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, जिसे नहीं सब्सक्राइब किया वो भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक मोहब्बत और प्यार होता है, तो काइंडली आप थोड़ा सा ख्याल कर लिया करें कि आप इतनी मेहनत कर रही हैं। तो हर रोज़ हमारी घर की रूटीन है वो आपको दिखा रही हूँ, तो आप सब्सक्राइब करें, ये आपकी तरफ से एक चाहत होगी हमारे लिए। जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें, ताकि मेरी डेली की रूटीन आपको पता चल सके। ये देखिए मैंने सारी निकाली है।
मैंने इसमें प्याज डाल दिए। हाँ जी, अब मैं इसमें ना डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में ही टमाटर का पेस्ट। मिर्च 1.5 चम्मच में डालती हूँ डेली। हल्दी थोड़ी सी होती है मेरी। नमक हंस दे जरूर हंस दे, ठीक है ना। सबको मिक्स कर देना। पानी से छीटा दे दूंगी। अब मैं इसमें ना फ्राई की हुई अरबी डाल दूंगी। थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको बंद कर दीजिए ढक्कन। ये मेरी फ्राई की हुई अरबी है। ये ग्रीन निकले तो मैं लाजमी अरबी में डाल दूँ। इसका तो जायका ही कुछ और हो जाता है ना सालन में। जब ग्रीन मिर्चों का जायका आता है ना कसम से सालन में जान आ जाती है ना। तो कुछ बहनें हैं वो लहसुन अदरक भी नहीं डालती हैं, तो काइंडली मैं उनसे कहती हूँ कि आप ना जल्दी जल्दी ना किया करें, तो ना आप लहसुन अदरक टमाटर वगैरह सब कुछ डाला करें, तो इससे ही जायका आता है। तो कहते हैं ना कि घर वालों का जो है अगर दिल जीतना है तो मेदे से हो के दिल जाता है, ठीक है ना। तो अगर दिल जीतना है ना तो खाना अच्छा अच्छा बनाएं, तो सारे घर वाले तारीफ करेंगे आपकी। तो मैं तो बड़े आराम से बड़े प्यार से बनाती होती हूँ, पसंद भी आ जाता है सबको। अपना मम्मी मिट्टू की बात नहीं कर रही, मैं वैसे ही कह रही हूँ कि वाकई में ही पसंद आ जाता है ना। कितने प्यार से जब हम खाना बनाते हैं ना तो दिल भी खुश होता है, और खाने वाला जब तारीफ करता है तो और भी खुश होता है। ये देखें, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और इसको बंद कर दूँगी, ठीक है ना। बस इतना सा काफ़ी है पानी, और 5 से 10 मिनट तक ना इसको हम स्टीम पे रखेंगे, फिर मैं आपको ना दिखाती हूँ, ठीक है ना। ये देखिए मैंने इसको बंद कर दिया। हाँ जी जी, हूँ अपने 5 से 7 मिनट पूरे हो गया, हूँ अपना देखते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, देखो जी अपने अरबी बिल्कुल अच्छी तरह गल गई है। मैं तुम चेक भी करवा लूँगी। हाँ देखो जी, अब वाकई मक्खन मलाई तरह। हाँ देखो कितनी जबरदस्त गल गई है, मजा आ गया। डिश निकाल के दिखानी है तुम। देखो जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह देखो जी मेरी डिश तैयार है बिल्कुल। माशाल्लाह इतनी प्यारी लुक आई है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल का बटन लाजमी प्रेस करें। ये आपकी तरफ से एक मोहब्बत प्यार होता है। ओके, ये अल्लाह प्लीज़ दुआ में याद रखना।